कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय विधानसभा चुनाव जारी हैं, जिसको लेकर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक माहौल जो है वो पूरी तरह से गरमाया हुआ है। शिवसेना यूबीटी भी इन चुनावों में हिस्सा ले रही है, मगर राजनीति के साथ हम अपनी धार्मिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियों को भी जो है जारी रखे हैं। आज की जो पत्रकार वार्ता है वो जो शुभ नवरात्रे आने वाले हैं को मालूम है कि पिछले 41 सालों से लगातार शिवसेना जो है जब श्री माता वैष्णो देवी के लिए छड़ी यात्रा को लेकर जाती है, वहां पर जो है छड़ी पूजन किया जाता है, तमाम श्रद्धालुओं को जो है माँ वैष्णो देवी के दर्शन करवाए जाते हैं। इस बार भी हम जो है 2 अक्टूबर को, आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को जम्मू के प्रसिद्ध श्री रघुनाथ जी टेम्पल से जो है हम एक शोभा यात्रा के रूप में निकलेंगे। हमारी पिछले 2 सालों से यात्रा का स्वरूप जो है वो पौराणिक स्वरूप के अनुसार हम भक्तों को माँ के दर्शन करवा रहे हैं। पौराणिक स्वरूप से मेरा तात्पर्य ये है कि हम पहला दर्शन कौल कंडोली करेंगे, दूसरा देवा माई, उसके बाद हम आगे की यात्रा जो है कटरा के लिए रवाना होंगे। इस बार भी हम 2 अक्टूबर को जम्मू के प्रसिद्ध श्री रघुनाथ टेम्पल से जो है शोभा यात्रा के रूप में रवाना होंगे। ये यात्रा पहला दर्शन कौल कंडोली पर रुकेगी, उसके बाद वहां पर जो है भंडारे के बाद हम देवा माई के दर्शन किए जाएंगे और उसके बाद जो है आगे कटरा के लिए और माँ के दरबार के लिए छड़ी यात्रा और जोत जो है वो रवाना होगी। 3 अक्टूबर को, जैसा कि आप जानते हैं कि पहला शुभ नवरात्रा है, 3 अक्टूबर को माँ के दरबार में पवित्र गुफा के अंदर पवित्र छड़ियों के जो है विधि विधान के साथ पूरी पूजा अर्चना की जाएगी, माँ के दर्शन की का सौभाग्य जो है वो प्राप्त किया जाएगा। हम आप लोगों के माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर से माँ के भक्तों को जो है वो आमंत्रित करते हैं कि इस यात्रा का हिस्सा बने और माँ का जो है वो भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस यात्रा के लिए हर साल की तरह महाराष्ट्र से, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से तमाम शिव भक्त जो है वो यात्रा का इस बार भी जो है हिस्सा बनेंगे और माँ का आशीर्वाद जो है प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ हम लगातार पिछले 1 साल से जो है श्राइन बोर्ड से डिमांड कर रहे हैं, आज फिर आप लोगों के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी से निवेदन करते हैं कि जैसा कि अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम मंदिर की तर्ज पर जो है एक अयोध्या सर्किट का निर्माण किया गया, तो हमारी मांग है कि जम्मू में भी माता वैष्णो देवी से जुड़े तमाम मंदिरों के, जम्मू के तमाम प्राचीन मंदिर, कटरा के और आसपास के इलाकों के तमाम प्राचीन ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मंदिरों का जो है एक सर्किट का निर्माण किया जाए, ताकि जो भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए उसको तमाम मंदिरों पर जो है वो घुमाया जाए, तमाम जगह जो है उनके दर्शन करवाए जाए, जिसके लिए जो है विशेष बस सेवा यहाँ से शुरू की जानी चाहिए। जम्मू के रेलवे स्टेशन से, जम्मू बस अड्डे से श्री माता वैष्णो देवी सर्किट का निर्माण किया जाए और भक्तों को जो है तमाम मंदिरों के दर्शन करवाए जाए, ताकि भक्तों की यात्रा जो है वो सक्सेसफुल रहे, माँ का भरपूर आशीर्वाद मिले, वह निहाल हो और इसके साथ साथ जो मंदी से गुजर रही है हमारी जम्मू संभाग की व्यापारों की आर्थिक स्थिति, वो भी जो है उसको गति मिले, वो बेहतर बने।